से नागिन 6 का अंक हुआ तभी से फैंस तो यही बात जानना चाहते हैं कि आखिर नया सीजन यानी कि नागिन 7 कब आएगा। एकता ने भी नागिन 6 के अंत के साथ ही इस बात को जाहिर किया था कि नया सीजन नए साल में दस्तक देगा और फैंस भी यही मानकर चल रहे हैं कि शायद नागिन 6 की तरह नए साल के मौके पर एकता नागिन 7 को लेकर कुछ बड़ा धमाल कर देंगी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो जनता को हैरान कर सकती है। टेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो नागिन 7 को आने में देरी हो सकती है और इसके पीछे वजह है इसकी स्टार कास्ट और स्क्रिप्ट। खबरों में बताया गया है कि नागिन 6 की मैसिव सक्सेस के बाद मेकर्स नए सीजन को लेकर किसी भी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहते। मेकर्स शो की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और वही कास्टिंग पर भी काम किया जा रहा है। खबरें हैं कि शो की क्रिएटिव टीम अलग तरह से शो की कहानी को लेकर आएगी जो कि नागिन की मिस्टीरियस वर्ल्ड को किसी नए तरीके से पेश करेगी और इसी वजह से शो को आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हो सकता है कि नागिन 7 साल 2024 के मिड तक दस्तक दे। बता दें कि ऐसी खबरें थी कि मेकर्स नए सीजन में फहमान खान, आयशा सिंह और डेजी शाह को कास्ट करने की सोच रहे हैं। हालांकि बाद में ये खबर महज अफवाह ही साबित हुई। हालांकि अब देखना तो ये है कि आखिर नागिन 7 को लेकर मेकर्स नई अनाउंसमेंट कब तक करेंगे और आखिर कौन बनेगा नए सीजन का चेहरा।